गाइस, मेरा नाम सचित रहा, आप देख रहे हैं स्पेसिफिक नॉलेज। गाइस, ये है हमारे चैनल का पहला गेमिंग वीडियो। एंड गाइस, ये इसमें आपको मैं सजेस्ट करने वाला हूँ पांच सबसे बेस्ट हॉरर गेम्स यू कैन प्ले इन 2018। दे आर वेरी गुड दोस्तों, क्योंकि मोबाइल के हॉरर गेम से लोगों का विश्वास उठ जाता है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में बहुत सारे क्रैप मतलब ट्रैश गेम्स मिलते हैं। एक दो मैंने देखे थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट अगर आज का ये वीडियो देखते तुम लोग को बहुत सारे ऐसे गेम्स के नाम पता चलेंगे जो आपने शायद कभी खेले भी ना हो, और ये बहुत ही मज़ेदार गेम भी है। तो दोस्तों, अगर तुम भी जानना चाहते हो उन गेम्स का नाम क्या है, वो गेम कैसे है, उनमें क्या करना पड़ता है, तो आज की वीडियो जल्दी शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं इतने सिंपल सा एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। सिंपल, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, दैट्स व्हाई आई कांट अपलोड एनी वीडियो। एंड गाइस, प्लीज़ एक बात याद रखना कि मैं आजकल जो डिस्कशन देता हूँ, लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन दिया था ना कि वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, थोड़ा लंबा चला गया था, तो मैं एक बार शॉर्ट रखता हूँ। एंड दूसरा बात जो मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें तीन गेम्स लेंड्रीना सीरीज के हैं। ओके, तो प्लीज़ याद रखना कि मत समझो कि मैं बस लेंड्रीना गेम्स को इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज डेवलपर्स ने मुझे, जो उसके डेवलपर्स का नाम भी डेवलपर्स ही है, तो उन्होंने मुझे हायर किया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस वो गेम्स पसंद है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। तो जो पहला गेम आता है, फिफ्थ गेम से हम लोग फिफ्थ से फर्स्ट में जाएंगे। जो पहला गेम आता है, जो फिफ्थ नंबर पर जो आता है, उस वो है लेंड्रीना द फॉरेस्ट। मैं इसको इसलिए फिफ्थ नंबर पर रख रहा हूँ, इसके ग्राफिक्स थोड़े से लो है, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट इन फिफ्थ। इसमें क्या है कि स्लेंड्रीना एक फॉरेस्ट को हॉन्ट कर रही है, और उसके मिस्ट्री को आप फाइंड करने के लिए उस फॉरेस्ट में गए हो। कितना पागल लड़का है वो, अपनी जान दांव पे लगा के गया है स्लेंड्रीना के बारे में जानने। छोड़ो, इसमें क्या है कि आपको स्लेंड्रीना से बच के जाना होगा, और पेजेस कलेक्ट करने होंगे, एंड एक कॉफिन खोलना होगा। उस कॉफिन में स्लेंड्रीना का पति है। ओके, इतना मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा वरना तुम लोग का गेम का मजा किरकिरा हो जाएगा। एंड गाइस, इसमें एक चीज़ से आपको बहुत ध्यान रखना है, पहला तो स्लेंड्रीना सबसे ऑफेंड, सेकंड कि स्लेंड्रीना की मम्मी या जो मदर है वो हॉन्ट कर रही होगी उस समय पूरा फॉरेस्ट को, तो अगर आप उसको दिख गए तो वो आपकी तरफ आके आपको नोचेगी, और फिर अगर आप उसके हाथ लग गए तो आप गए। एंड जो अगला गेम आता है, जो नंबर फोर पे आता है, वो है स्लेंड्रीना द सेलर। आई नो ये स्लेंड्रीना गेम्स के सबसे स्टार्टिंग गेम्स में से आता है, देन ऑल्सो मैं इसको नंबर फोर में इसलिए रखा हूँ बिकॉज इसका कंसेप्ट बहुत ही अलग है। ये डेवलपर्स जो है, इसका सबसे बड़ा खासियत है कि दे मेक वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। एंड गाइस, जो डेवलपर का ये गेम है स्लेंड्रीना द सेलर, ये स्लेंड्रीना के स्लेंड्रीना 2D के बाद आया था, एंड ये बहुत ही मस्त गेम है। इसमें क्या होता है कि स्लेंड्रीना एक सेलर को हॉन्ट कर रही है, और फिर से वो पागल बंदा उस सेलर को, सेलर का मिस्ट्री को जानने गया है। तो उसमें आपको अब पेजेस फाइंड करने हैं, कुछ पेजेस फाइंड करने हैं, उसके बाद आठ या सात पेजेस फाउंड करके आपको एग्जिट डोर पर जाना है, और उसके बाद स्लेंड्रीना अजीब सा आवाज़ निकालेगी और पीछे की तरफ चली जाएगी। यही है, और मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इसमें बहुत ही अलग कंसेप्ट है जो बहुत ही मुझे पसंद आया है, दैट्स वाई इसको हम लोग ने रखा है नंबर फोर पे। एंड इसके ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जो नंबर थ्री पे गेम आता है वो है स्लेंड्रीना एक्स, एंड ये है लास्ट गेम इन द सीरीज ऑफ स्लेंड्रीना इन आर लिस्ट। ओके, स्लेंड्रीना एक्स इज द वन ऑफ द बेस्ट स्लेंड्रीना गेम जो आई हैव एवर विटनेस, बिकॉज इसमें क्या है कि आप स्लेंड्रीना का जो है हस्बैंड है, उसका एक कैसल है, उसमें आपको बंद करके रखा है, और अब आपको वहाँ से निकलना है। हाँ, अब वो पागल बंदा जो है उसको, उसकी मिस्ट्री फाइंड नहीं करना गया है, उसको वहाँ पे ट्रैप कर लिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि स्लेंड्रीना के हस्बैंड से और स्लेंड्रीना से बचना है, स्लेंड्रीना के पेट स्पाइडर से भी बचना है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा, आपको तीन या चार बार ये मैं मार सकता है, तीन चार अटैक्स में मार देगा। एंड आपको स्लेंड्रीना के हस्बैंड से बचना है जो आपको आके नोचता है, एंड स्लेंड्रीना जब भी दिखे तो मुड़ जाना है। स्लेंड्रीना के इस गेम में, ये पहला गेम है स्लेंड्रीना सीरीज का डेवलपर वाला, जिसमें आपको एक स्वॉर्ड मिलता है जिससे आप फाइट कर सकते हो उस स्पाइडर एंड उसके हस्बैंड से। ओके, तो ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसका भी कंसेप्ट बहुत अलग है, ये खेलने में बहुत मज़ा आता है, अगर आप टाइम पास करने के लिए खेल रहे हो तो बहुत ही अच्छा गेम है, तो स्लेंड्रीना एक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड गाइस, एक बात, मैं ज़रूर स्लेंड्रीना गेम्स का एक बहुत ही बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ, एंड आपको मैं बस यहाँ तीन गेम्स रिकमेंड किया हूँ। स्लेंड्रीना के बहुत सारे गेम्स हैं, मैं गिना नहीं पाऊँगा। स्लेंड्रीना एसाइलम करके भी एक है, एंड एक और डेवलपर ने बनाया था स्लेंड्रीना स्लेंड्रीना मस्ट जाए,
तो आप ये बाकी स्लेंडरीना गेम्स भी जरूर खेलिएगा। जो सेकंड नंबर पर गेम आता है वो है ईविल नन। ये भी ये गेम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, बिकॉज ईविल नन आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है एंड इट इज वेरी गुड। इसमें आपको एक नन ने कैप्चर करके रखा है स्कूल में। आई डोंट नो क्यों एक नन एक स्कूल में रहेगा, छोड़ो। ये इस नन ये ईविल नन है, एक मतलब गॉड को नहीं करता है, फॉल्स गॉड को पूजा करता है और ये एक ईविल सेरेमनी में आपको आपका यूज है और इसलिए आपको रखा है। 5 दिन मिलेंगे आपको इसमें एंड इस 5 दिन में आपको स्कूल से बाहर निकलना है और आपको याद रखना है कि अगर आप इसके सामने गए तो ये आपके ऊपर अपना हथौड़ा मार देगी, स्लश हैमर बोलते हैं उसे, इसे बच के रहिएगा। एंड इसका गेम का ग्राफिक काफ़ी अच्छा है, मुझे इसके कंट्रोल्स बहुत पसंद आए एंड गाइस इसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, तो ज़रूर इस गेम को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डरावना गेम है, जब अचानक से चिल्लाते हुए आती है तो अरे बाप रे क्या आ गया है, बहुत डर लगता है सच में। तो खेल के देखिएगा, सारी गेम्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड जो सबसे पहला गेम और ये मेरा बेस्ट ओपिनियन है, जरूर ट्राई करना अगर तुम लोग को हॉरर गेम्स का डाई हार्ड फैन बनना है, और इसका नाम है ग्रैनी। हाँ मुझे पता है तुम लोग में से आधे लोग इस गेम को खेले होंगे और ज़्यादातर अपने दोस्तों को इसलिए रेकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज अरे बाप रे मैं तो ये गेम कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ और मैं अपने दोस्त को रिकमेंड करूँगा तो मजाक उड़ा देगा। मुझे पता है तुम लोग इसलिए नॉर्मली नहीं बोल पाते हैं। ग्रैनी एक बहुत ही मस्त गेम है, मैं आपको अभी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है इसमें, बट इससे पहले मैं सिंपल बता दूँ कि लोग इसके बारे में अगर आप किसी को पूछे अरे भाई ग्रैनी खेला है तो देखना वो क्या बोलेगा कि अरे घटिया गेम है भाई, घटिया गेम है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि उनसे वो गेम पार नहीं होता है। ओके तो अब बढ़ते हैं इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ। सिंपल इसमें आपको एक हॉन्टेड दादी माँ या नानी माँ जो भी आप बोलो, इसने आपको घर में कैप्चर करके रखा है एंड अब आपको इसके घर से बाहर निकलना है। ये अब ग्रैनी 1.5 चल रहा है। ग्रैनी 1.5 में आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे आप कार से भाग सकते हो और डोर से भाग सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा बिकॉज ये बेस्ट गेम है एंड ये हॉरर के हिसाब से, एंड इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा खेलने में और ये बहुत डरावना है। याद रखो कभी भी अकेले घर में रात को मत खेलियो, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम उस समय सुसु करना चाहोगे तो पैंड में हो जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट टिप आई वॉन्ट टू गिव वेन यू आर प्लेइंग इट। ओके एंड गाइस ग्रैनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ग्रैनी का जो टेडी है अगर आप उसे उठा लोगे तो वो आपको हर जगह पे सेंस कर सकती है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। लास्ट वीडियोस पे आपने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था, मैं बहुत खुश हुआ उस सपोर्ट से। आपने मुझे 9 लाइक्स दिए एंड 70 व्यूज़ दिए, वो मेरे लिए बहुत हार्ड टचिंग था। हाँ मुझे पता है 10 लाइक्स का एम रखा था बट आपने नहीं कंप्लीट किया, कोई बात नहीं, 9 मेरे लिए बहुत होते हैं क्योंकि एक यूट्यूबर ही समझ सकता है एक व्यू का मूल्य कितना होता है। ओके तो दोस्तों अगर तुम्हें कोई वीडियो पसंद आ रही है और ऐसी और मस्त वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना और कमेंट में बताओ कि वीडियो को और बेटर मैं कैसे बना सकता हूँ एंड मुझे कमेंट्स में ये भी बताओ कि तुम्हें और कौन सी वीडियो देखनी है, क्योंकि ये चैनल पर हर तरह की वीडियो आने वाली है। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। एंड गाइस एंड करने के बारे सिंपल बताना चाहूँगा कि ये गेम्स अगर आप बहुत दिनों से गेम ढूंढ रहे हो और आपका दोस्त भी ढूंढ रहे हैं तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे गेम्स हैं और ये सबको पता होने चाहिए इन गेम के नाम। एंड ऑफ कोर्स ग्रैनी खेल के देखना बिकॉज ये मेरा फेवरेट गेम है। एंड चलिए तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक सायनारा बिल्ला मारी बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, स्पेसिफिक नॉलेज को। Goodbye.